हेलो फ्रेंड्स, मेरी कुकरी शो गिनीज फूड रिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं रेस्टो स्टाइल स्मोकी फ्लेवर पनीर अंगारा। इसको खाने के बाद आप बाज़ार का पनीर खाना भूल जाएंगे। तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो प्लीज़ मेरी रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पनीर अंगारा बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे हमने क्यूब्स में कट कर दिया है। अब इसके ऊपर मिलाएंगे हम 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टेबलस्पून हम इस पे मिलाएंगे नमक। ये हमने मिला लिया है और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम, जिससे ये अच्छी तरह इसके ऊपर कोट हो जाए। देखिए इसी तरह। फिर हम एक पैन लेंगे जिसमें हमने 1 टेबलस्पून बटर डाला है। इसे हम अच्छी तरह मेल्ट करेंगे और इसके अंदर हम पनीर को फ्राई करेंगे। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा ही फ्राई करना है। देखिए, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए आप इसे फ्राई करें। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपको इसे फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुका है, हमने लगभग 2 से 3 मिनट इसे फ्राई किया है। अब इसे हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमने एक पैन लिया है जिसमें हमने 1.5 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है। इसे हम अच्छी तरह गर्म करेंगे। आप चाहें तो मूंगफली का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम मिलाएंगे 2 स्लाइस किए हुए प्याज, ये हमने डाल दिए हैं, और इसे किसी स्पून की हेल्प से अब हम हिलाएंगे। देखिए इसी तरह। अब इसमें हम डालेंगे 2 शिमला मिर्च, जिसे हमने क्यूब्स में कट कर ली थी, और इसे फिर हम सौटे करेंगे इसी तरह। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना है, आपको इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए, आपको लगभग 5 से 7 मिनट तक इसे सौटे करना है। ये हो चुकी है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और किसी प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। अब हम हमारी थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए हमने लिए हैं 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, आधा टेबल स्पून जीरा, साबुत जीरा, फिर हमने लिया है आधा टेबल स्पून साबुत धनिया, थोड़े से हमने तेज पत्ते लिए हैं, फिर हमने 2 टमाटर लिए हैं बारीक टमाटर, और फिर हमने 2 प्याज लिए हैं, और उसके बाद हमने 5 से 6 लहसुन की कलियां ली है, 2-3 हरी मिर्ची ली है हमने, हरी मिर्च, और ये हमने थोड़े से काजू लिए हैं। फिर हम वापस वही पैन लेंगे जिसमें हम 1.5 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम करेंगे। फिर इसके अंदर सारे हम सूखे मसाले डालेंगे इसी तरह, और इन्हें रोस्ट करेंगे। अगर आपने ये सारी स्टेप्स फॉलो करके पनीर की सब्जी बनाई है तो आप किसी भी होटल की या ढाबे की पनीर की सब्जी खाना भूल जाएंगे। अब इसके अंदर हम मिक्स करते हैं लहसुन की कलियां। हमने पूरे लहसुन लिए हैं, उनकी कलियां ली है। फिर इसके अंदर हम प्याज डालेंगे इसी तरह, और इन्हें सौटे करेंगे। देखिए इसी तरह बिल्कुल। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च, ये हमने हरी मिर्च डाली है, इसे भी हम अच्छी तरह हिलाएंगे, क्योंकि हमने सब्जियां पूरी रोस्ट नहीं करनी है, क्योंकि हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। और ये हमने काजू भी मिक्स कर लिए हैं इसी तरह, इन्हें भी सौटे करेंगे। देखिए इसी तरह। फिर इसके अंदर हम मिक्स करेंगे टमाटर, जो हमने 2 टमाटर लिए थे वो भी हम इसमें डालेंगे, और इसे भी अच्छी तरह सौटे करेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर करना है, इस बात का ध्यान रखें आप, और इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/4 टेबलस्पून नमक, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले नमक डाल चुके हैं। देखिए इसी तरह। और फिर इसे हम किसी लिड की हेल्प से ढक के 5 से 7 मिनट तक रखेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम देख लेते हैं। हमारी सब्जी हो गई है, और इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लेते हैं थोड़ा ठंडा होने पर। ये हमने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है, देखिए इसी तरह, और फिर इसे हम ग्राइंड करेंगे। हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, अब हम बढ़ते हैं हमारी फोर्थ स्टेप की तरफ। उसके लिए हमने एक पैन लिया है जिसमें हमने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम किया है, और इसके अंदर हमने डाला है आधा टेबल स्पून जीरा, साबुत जीरा। आप चाहें तो मूंगफली का तेल या बटर का यूज़ ले सकते हैं। फिर इसके अंदर हम मिलाएंगे ग्रेवी जो हमने रेडी करी थी, देखिए इसी तरह, और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। अब इसके अंदर हम मिक्स करेंगे आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और फिर इसके अंदर हम मिक्स करेंगे लाल मिर्च पाउडर। हमने 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। अगर आप तीखा खाना कम पसंद करते हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी कम कर सकते हैं।
फिर हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। अगर आप नमक की क्वांटिटी ज़्यादा लेना चाहते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर इसके अंदर हम मिलाएंगे 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, फिर इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए इसी तरह बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है आपको। हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, देखिए साइड से तेल भी छूटने लग गया है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे 2 टेबलस्पून मलाई, आप चाहें तो क्रीम का यूज़ भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिए इसी तरह और फिर इसे हम अच्छी तरह हिलाएंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हिलाना है आपको। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे पनीर जो हमने ऑलरेडी रेडी कर रखा है, ये देखिए ये हमने पनीर मिलाया है। इसी के साथ हम मिलाएंगे प्याज और शिमला मिर्च जो हमने ऑलरेडी सॉटे करके रखे थे और फिर इसे अच्छी तरह हम मिलाएंगे। देखिए इसी तरह बिल्कुल हमारी सब्जी रेडी है, बस हमारी लास्ट स्टेप बाकी है जो कि स्मोकी फ्लेवर देना, जो हमारी सब्जी को किसी होटल की सब्जी से कम नहीं बनाने वाली। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने गैस पे एक कोयले को गर्म किया है और फिर इसे हम किसी प्लेट में निकालेंगे, बहुत ध्यान से करिएगा। और फिर इसे हम हमारी सब्जी के ऊपर रख देते हैं और इसके ऊपर हम डालेंगे 2 से 3 बूंद घी की और इसे किसी ढक्कन की हेल्प से हम ढक देंगे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। हम ढक्कन हटा लेते हैं। वाओ, स्मोकी फ्लेवर आ चुका है हमारी सब्जी में, किसी होटल या ढाबे की सब्जी से कम नहीं लग रही है। हमारी पनीर अंगारा रेडी हो चुकी है, अब इसे हम धनिए से और पनीर से गार्निश कर लेते हैं। ये हमने धनिए से गार्निश कर ली है और फिर थोड़ा सा हम पनीर ग्रेट कर लेते हैं इसके ऊपर। तो रेडी है हमारी होटल स्टाइल स्मोकी फ्लेवर पनीर अंगारा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर शेयर करें कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय।